नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और यह है सैमसंग गैलेक्सी डिवाइस। दोस्तों, वन वाई 6.1 अपडेट के बाद आप अपनी होम एंड लॉक स्क्रीन पर बहुत सारे कस्टमाइजेशन कर सकते हो। अब यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख सकते हो, लॉक स्क्रीन जब आप लॉक करते हो ना फ़ोन को, तो उसके स्टाइल्स आप चेंज कर सकते हो। तो पहला स्टाइल ये है कुछ इस तरीके से, सेकेंड ये वाला है, थर्ड ये है इस तरीके से, एंड यहाँ पर ये सेलेक्ट कर सकते हो एंड ये स्टाइल है कुछ। और जब भी आप लॉक करोगे तो कुछ इस तरीके से लॉक एनिमेशन यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो ये भाई आप अपनी लॉक स्क्रीन पर, आप पुराने लॉक स्क्रीन के स्टाइल से अगर बोर हो चुके हो तो आप ये न्यू स्टाइल अपनाइए। एंड इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको और भी बहुत सारे लॉक स्क्रीन के कस्टमाइजेशन बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मैं अपने फ़ोन को लॉक करता हूँ तो कुछ इस तरीके से लॉक होता है। एंड इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर मेरे फ़ोन की लॉक स्क्रीन पर आप देख सकते हो, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये देखिए बैटरी परसेंटेज है, जहाँ पर दोस्तों मेरे एयरफोन में कितनी बैटरी है, फ़ोन में कितनी बैटरी है। इसके अलावा स्मार्ट वॉच, एंड यहाँ पर मून फेस मैंने अप्लाई कर रखा है, एंड यहाँ पर विजिट्स भी अप्लाई कर सकते हो अपनी लॉक स्क्रीन पर। एंड इतने ही दोस्तों, ये आप कस्टमाइजेशन अपने AOD पे भी लगा सकते हो, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे। तो कैसे आप इसको कस्टमाइजेशन करोगे, एंड इसके अलावा मैं और भी बहुत सारे कस्टमाइजेशन बताने वाला हूँ होम एंड लॉक स्क्रीन के। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को लाइक कर देना। तो सबसे पहले आपको इस तरीके से दोस्तों करना है, आपको जाना है वॉलपेपर एंड स्टाइल में लगा सकते हो। यहाँ पर दोस्तों आपको जाना है चेंज वॉलपेपर पे। तो यहाँ पर मैं अपना एक कोई भी वॉलपेपर को चेंज कर लेता हूँ। चलिए मैं यहाँ पर एक वॉलपेपर सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर मैंने इस वॉलपेपर को अप्लाई कर लिया आपने। अब यहाँ पर जैसे आप वॉलपेपर सेलेक्ट करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा, आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा कि आपकी होम एंड लॉक स्क्रीन पर किस तरीके से यह शो होगा। नेक्स्ट करना है आपको, जैसे आप दोस्तों नेक्स्ट करोगे तो सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखाई देगा फ्रेम इफेक्ट, ये तो फ्रेम में इस तरीके से आप अपनी इमेज को लगा सकते हो इस तरीके से। एंड यहाँ पर बहुत सारे आपको फ्रेम देखने को मिलते हैं, तो चलिए मैं ये वाला फ्रेम ले लेता हूँ कुछ इस तरीके से। एंड यहाँ पर कलर का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे आप अपना जो बैकग्राउंड है उसको चेंज कर पाओगे इस तरीके से, देख सकते हो। और बैकग्राउंड चाहिए तो इस तरीके से आप चेंज कर पाओगे, देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे आपको बैकग्राउंड देखने को मिलते हैं, आप इस तरीके से चेंज कर सकते हो। एंड यहाँ पर दोस्तों आपके जो ये पिक है ना, इसका बैकग्राउंड इरेज कर सकते हो। यहाँ पर इरेज बैकग्राउंड पर क्लिक करोगे तो देख सकते हो यहाँ पर ये बैकग्राउंड यहाँ पर इरेज हो गया है, और यहाँ पर आप कुछ इस तरीके से भी इसको सेट कर सकते हो। एंड यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा था लॉक स्क्रीन पर विजिट्स, ये दोस्तों आपकी लॉक स्क्रीन पर भी दिखाई देगा। एंड इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपकी जो AOD है उस पर भी दिखाई देगा। तो यहाँ पर चलिए मैं आपको बताता हूँ इसे कैसे आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आपको इसके ऊपर जाना है, और इस तरीके से पहले मैं इसको हटा देता हूँ, और यहाँ पर आपके सामने स्पीकर का ऑप्शन दिखाई देगा विजिट्स का, देख सकते हो यहाँ पर विजिट्स आएगा, विजिट्स पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर बैटरी का विजिट्स आपको शो होगा, तो इस तरीके से आप लगा सकते हो बैटरी का विजिट्स। एंड ये वाला भी विजिट्स अप्लाई कर सकते हो, एंड यहाँ पर वेदर का विजिट्स है, इसको भी आप इस तरीके से अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। एंड अप्लाई करने के बाद इसको दोस्तों आप यहाँ पर डन कर देना है। अब चलिए हम बात करते हैं लॉक स्क्रीन के स्टाइल को आप कैसे चेंज कर पाओगे। एंड यहाँ पर आप मूविंग वॉलपेपर भी अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने इसको एक बार अप्लाई कर दिया है, अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है। सबसे पहले दोस्तों आपको जाना है स्टोर पर, ठीक है, जो गैलेक्सी स्टोर है ना उस पर जाना है। एंड यहाँ पर गुड लॉक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, इसको ओपन करना है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको, जैसे वंडरलैंड आप ओपन करोगे तो आपके सामने इसका इंटरफेस होगा। सबसे पहले आएगा यहाँ पर क्रिएट योर ओवन मूविंग वॉलपेपर, यहाँ पर आपको मूविंग वॉलपेपर दिखेंगे बहुत सारे कुछ इस तरीके से। ये वॉलपेपर आपको लैंडस्केप पर दिखेगा, जहाँ पर दोस्तों आप कुछ इस तरीके से आपका जो वॉलपेपर है वो मूव करेगा, ठीक है। एंड यहाँ पर देख सकते हो आप ये मूव कर रहा है। एंड यहाँ पर दोस्तों आप एक ऑप्शन नीचे मिलेगा क्रिएट योर डिफरेंट लॉक स्क्रीन इफेक्ट, तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे, ठीक है, कोई सा एक आप अपने यहाँ पर वॉलपेपर सेलेक्ट कर लेना इस तरीके से। जैसे आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे और उसको जाओगे यहाँ पर, देखो एक एडिट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करोगे, और यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस आ गए स्टाइल चेंज के। इस तरीके से आप स्टाइल भी इसके चेंज कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे। चलिए मैं इसको लगा लेता हूँ, इसको लगा लेता हूँ, ठीक है, और इसको यहाँ पर इस तरीके से करना है। और नीचे देखिए आइकन होगा डाउनलोड का, इस पर क्लिक करिए और यहाँ पर इसको ओवर इस जो भी है अपना सेव वगैरह कर लीजिए, ठीक है। जैसे आप इसको सेव कर लोगे तो यहाँ पर इसको सेट एज वॉलपेपर कर दीजिएगा, फिर ये दोस्तों वॉलपेपर आपका सेव हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। देखिए इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, है ना, लुक स्टाइलिश। इस तरीके से यहाँ पर आपकी लॉक स्क्रीन जब भी आप उसको लॉक अनलॉक करोगे तो देखने को मिलेगी। तो एंड यहाँ पर AOD में भी ये ऑप्शन आपको मिल सकता है, अगर आप जाओगे सेटिंग में और यहाँ पर आपको जाना है AOD में, ठीक है। तो इसको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को यहाँ पर क्लिक करना, और देख सकते हो शो लॉक स्क्रीन वॉलपेपर, इसको ऑन कर देना।
एंड यहाँ पर इरेज बैकग्राउंड का ऑप्शन आपको अगर मिले तो इसको कर देना। ये जब मिलेगा जब आप अपना वॉलपेपर लगाओगे, मतलब कोई ह्यूमन फेस लगाओगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो। इसके बाद दोस्तों कुछ इस तरीके से स्टाइलिश लॉक स्क्रीन एंड AOD आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर कुछ इस तरीके से शो होगा। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।